शाहीन बाग से आए हैं, मैं किसान की बेटी हूँ, अन्न मैं भी खाती हूँ, और इसमें ये एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। इसमें एक नहीं, एक हरियाणवी या पंजाबी किसान नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ज़मीन वाले हैं, सब किसानी करते हैं। मैं भी किसान की बेटी हूँ, अपने हक के लिए लड़ने आई हूँ, जो ये कानून लाए हैं उसके लिए कि जो गरीब है, जो किसान है, जो अपने बच्चों को जो थोड़ी ज़मीन में जो उगाई करके जो खिलाता है वो क्या करेगा। और कौन से गरीब लोग जो हैं, पहले नोटबंदी में भी गरीबी मारा गया था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था कि वो क्रेडिट से या वो ऑनलाइन अपना राशन मंगा सकता था, वो दुकान से ही लेता, तब भी वो मारा गया। अब भी गरीब की वो मॉल नहीं जा सकता, उसके पास नहीं होगा ना, उसके पास कोई क्रेडिट है ना कुछ है, वो रोज़ कमाने वाला रोज़ खाने वाला है। तो उसकी परेशानी को लेके, क्योंकि उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। लेकिन मैडम, 4 महीने हो गए किसानों को सड़कें पर पड़े हुए, सरकार को नहीं सुन रही है। भाई सरकार, जब देश आज़ादी में कितना टाइम लगा था भाई मेरे, तो ये ऐसा थोड़ी कि एकदम ये हो जाएगा, टाइम लगता है, देश आज़ाद होने में टाइम लगता है, ऐसी मोदी जी को भी सुनने में टाइम लगेगा। घर के बच्चे नहीं सुनते, पांच उंगली एक बराबर होती है नहीं होती है ना। आपको लगता है ये आज़ादी की लड़ाई है? ये आज़ादी की हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे सब की लड़ाई है, ये इसमें हिंदू मुसलमान सिख नहीं, ये सबकी लड़ाई है, हम सबको मिलकर आना है। ये खुश ना हो वो घर में बैठ कर कि हमें रोटी मिली है, जिस दिन जब भी लोग बोले थे नोटबंदी पे कि काला धन वापस आएगा, हमने भी ये सोचा था कि मोदी जी आए हैं तो नया देश बनाएंगे, उन्होंने कहा नाले पे बैठ के पकौड़े तलो, गैस निकलेगी नाले से। भैया ये पहली बार सुना मैंने, बीटेक करने वाला वो पकौड़े तो वो पढ़ता ही क्यों, उसका बाप पढ़ाता ही क्यों, उसको लोन लेके वो क्यों पढ़ाता, वो पहले मजदूरी करता। कोई रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है आप कोई कंपनी चलाने नहीं आए, हम तो जन कल्याण करना है, वेलफेयर में काम करेंगे। तो जन कल्याण करना है, और जो लोग हैं जिनके रोजगार के वादे करे थे उनको क्या दिया इन्होंने, पकौड़े तलो, बेसन कहाँ से ला, बेसन महंगा हो जाएगा। वो ये किसानों के ऐसे वो ले आए हैं बिल, तो ये बेसन बिना मिलेगा, पकौड़े बिना तले जाएंगे, ना प्याज मिलेगा, सब चीज़ तो महंगी मिलेगी, करेगा क्या इंसान, महंगाई तो बढ़ ही रही है। हाँ तो क्या करे इंसान, इससे अच्छा तो वो एक दफ़ा मार ही देना, बम डाल दे, बात खत्म, खुद ये तीन हम दो हमारे दो काम करें बस, बात खत्म। लेकिन किसानों पे बार बार आरोप लगा रही है सरकार का भी, खालिस्तान है, पाकिस्तान है। तो भैया वो तो उनके पास खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे है ही ना कुछ देन के लिए उनके पास, भाई मेरे रोजगार नहीं, पैसा नहीं, सब पैसा खत्म, हर चीज तो बेच दी, इंसान रह गए वो भी बेच देंगे ये। मैडम पश्चिम बंगाल में चुनाव है और अमित शाह जी ने कह दिया, घोषणा पत्र जारी किया है कि हम हर घर से एक नौकरी देंगे और यहाँ पर CAA भी लागू कर देंगे। दिल्ली में तो बहुत दे दी, अब उसको सोने का शहर बनाने गए हैं, यहाँ तो दे दे पहले। UP में जो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पहले उन्हें तो रोक ले, पहुँचे हैं बांग्लादेश देने कोई चीज़। हाँ तो हाँ मॉडल यूपी का क्या मॉडल है, देखिए तो जाइए आप, वहाँ लोग अपनी बात ही नहीं कह सकते, वहाँ तो ऐसा डरावना इन्होंने खेल कर दिया, अगर मंदिर में बच्चा पानी पीने चला जाए तो मार दे। हमारा इस्लाम कब कहता है, हमारे लोग क्या पहले नहीं रहते थे, होली त्यौहार ईद सब एक साथ मनाते थे, कहीं कुछ ना था, कहीं हमारे अब्बा ने ना बताया ये हीरा कली बेटा इससे मत मिलियो, ये क्या है, मानवता में जहर घोलने का काम, जहरी तो घोल रहे हैं वो, क्या वो अपना अच्छा कर रहे हैं, मैंने क्या कहा हम दो हमारे दो, वो अडानी अम्बानी और दो ये बस भैया, और कोई चीज नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक लेकर कानून जो है उसके खिलाफ में, उनको काफी फायदा मिल रहा है, महिलाओं को उनको अधिकार मिल रहा है। क्या अधिकार मिले, हम अपना अधिकार खुद जानते हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है और क्या करता है, तलाक लेने ये क्या फायदे लिया है, ये क्या फायदा, इनके खुद औरत नहीं ये फायदे क्या लिया है, अपनी औरत को पहले रख ले ला के। लेकिन तो देश की खातिर परिवार छोड़ा था उन्होंने, तो क्या चीज, देश की खातिर, क्या देश की खातिर छोड़ दिया, जो अपना घर ना संभाल पाए वो देश संभाल लेगा। आप अपने घर को पूरी रोटी ना दे पाए तो पड़ोसन के बच्चों को संभाल लोगे, वो कहते थे 135 करोड़ जनता मेरा परिवार है। हाँ परिवार है, घर का परिवार संभाला नहीं, 135 में कितना परिवार संभाल लिया उन्होंने, किसको संभाल लिया उन्होंने, क्या चीज है इससे झूठ। अब भी आंखें खोल लो मेरा भाई, आप लोगों से सबसे जो भी है सब निकल के आओ, हाथ जोड़ के विनती है सबसे, गुजारिश है कि अब तो अपनी आंखों का पर्दा खोल दो मेरा भैया, एक लाइन पे एक प्लेटफार्म पे आ जाओ तब भी ये लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। इतनी महंगाई है, पेट्रोल 100 के पार है लगभग, डीजल महंगा है, LPG महंगी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं, मैं रिक्शे पे पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही, वो लोग आए जिनके पास गाड़ी है ट्रक है, वो लोग आए सिलेंडर और किचन का, तो मैं चूल्हे पे लकड़ी पे बना लूंगी, बताओ
वो लोग आए ना जिनको मुश्किलें हैं, जो एसी में रह रहे हैं, जिनको मुश्किलें हैं, वो निकल कर आए, हम उनके साथ हैं भाई। जो युवा पीढ़ी है आज के, हम उनसे बात करते हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था डूब गई है, विरोध करिए तो वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, हम 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन देश मजबूत हाथों में है आज। अच्छा वो ये कहते हैं, इसका मतलब वो थोड़े अंधभक्त होंगे, वो पैसे अंदर अंदर तो आते होंगे उनके पास, वही लोग कहते हैं। और आप निकल के जरा सर्च करिए, चलिए आप एरिया में चलिए, वहाँ पूछिए कितने घर ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं। मैडम किसान परेशान है, युवा परेशान है भैया, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है, जब किसान परेशान है हम लोग तो खुद परेशान हो, अभी तो कटोरे में भी कुछ ना मिलने वाला आगे चल के। सब परेशान है, शिक्षक परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, बेरोजगारी है, महंगाई भी है, लेकिन फिर भी ये लोग जीत कैसे जाते हैं? ये भैया इनकी 420 होगी, गुंडागिर्दी है, कुछ लोग अंदर पैसे लेके वोट अपने दे देते होंगे, कुछ इनकी छोटे छोटे तो इलेक्शन जितवा दें कांग्रेस को, आपको सबको, बड़ी बड़ी मशीनों में घोटाला कर दें। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तो अमित शाह जी ने कह दिया कम तो भैया वो करेंगे, जब करेंगे तो देखा जाएगा, अब बंगाल वाले देखें इस चीज़ के लिए। अभी तो हम जिससे परेशान है, किसान भाई जो परेशान है, हम तो इसके लिए पहले, जब रोटी ना पेट में होगी तो आगे की तो लड़ाई जब लड़ेंगे, जब रोटी मिल जाएगी ताकत आएगी। लोग कहते हैं कि थोड़े से किसान है, इनको विपक्ष ने बरगला दिया है यहाँ पर जो रोक। कौन से किसान? आप किसान के बेटे नहीं, आप कहाँ से हैं? हम तो किसान ही हैं। किसान है ना, कौन किसान नहीं है, गाँव से ही आए हुए, ये बसाया जो है वो गाँवों से, किसान कौन नहीं। मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे पता है चने का साग क्या होता, बथुआ क्या होता, लहसुन कैसे होता, प्याज कैसे होता, पालक कैसे होता, बंद गोभी कैसे होती, धान कब आता, गेहूँ। ये तो शहर वो लोग होंगे जिनको पता ही नहीं, जिनको ऑनलाइन उन्होंने बस मंगाया खा लिया। मुझे पता है बासमती कौन है, इंद्रासन क्या है, जाया क्या है, और मंसूरी चावल क्या है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान के लिए लड़ रही हूँ, अपने लिए लड़ रही हूँ। मैं बाबा रामदेव कहते हैं किसानों ने कानून नहीं पढ़ा है, कानून भैया ये बाबा रामदेव ने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ाना, हमें ये पता है ये बिल गलत आए, उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारा आटा महंगा होगा, चावल महंगा होगा। मोदी सरकार कहते हैं कि जो भी हम कानून लेकर के आते हैं, चाहे 3 तलाक हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, या किसान कानून हो, सबका विरोध होता है हमारा देश में। बाबा रामदेव की बात पे मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। बाबा रामदेव ने तो ये भी कहा था कि आपको 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, एक आधी आँख बंद करके उन्होंने रजत शर्मा के क्या कहते हैं जन अदालत में, आपकी अदालत में बोला था आपको 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए या नहीं चाहिए, आपको 322 रुपए की सिलेंडर चाहिए या नहीं चाहिए, रोजगार को, युवा को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 335 रुपए क्या कहते हैं 335 रुपए लीटर किसको, 35 रुपए लीटर किसको पेट्रोल मिल रहा है, किसी को मिल रहा है? कौन जाएगा बाबा रामदेव से पूछने? सरकार पश्चिम बंगाल में जा रही है, कह रही हम रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पर बेरोजगार लोग सड़कों पर बैठे हैं, जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तो रोजगार मिला नहीं। जो सरकार की नीतियाँ हैं सब जानते हैं, क्या उनकी साजिशें हैं, क्या प्लानिंग है, पढ़ा लिखा इंसान हर कोई जान गया है, किस तरह से अनपढ़ जाहिल लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द रख रखे हैं, जिन्हें तमीज़ी नहीं है कैसे देश चलाया जाता है। स्मृति ईरानी की क्वालिफिकेशन क्या है बताइए? जब इस तरह के लोग रहेंगे देश में, उनके हाथ में शासन दे दिया जाएगा तो देश तो बर्बादी पे आएगा। अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, लेकिन एक वो सुनते थे वो अब सामने है भैया, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, हमें भी पता है, वो हिसाब है, पता सबको है, मगर घंटी कौन बांधेगा? मोदी जी की बात पे ये बात कह सकते हैं, जिस तरह से अमित शाह ने बोला था, जब मोदी जी ने बोला कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे, फिर उसके बाद जब लोगों ने 15 लाख का सवाल करना शुरू कर दिया तो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो एक जुमला था। तो ऐसे उनकी वैक्सीन भी एक दिखावा है कि उन्होंने लगवाई या नहीं लगवाई वो वही जानते हैं, हमें नहीं पता भाई, हम नहीं लगवाएंगे, हमें कोरोना हो चुका और अब होगा नहीं होगा, और कोरोना भी एक वायरस है, जैसे कि एक लड़ सकता है इंसान। देखिए मैं कोरोना पे एक बात कहना चाहूंगी, लड़ लिया है तो एक कोरोना ही क्या चीज, कोरोना सिंपल सा एक वायरस है। हाँ तो वो इसलिए तो लगाने की जो बैठे क्यों हैं यहाँ पर सब, इनको हमें लगा दिया। भाई मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना सिर्फ एक सिंपल वायरस है, जिस तरह से टीबी एक वायरस है, टीबी से हर दिन हर 5 मिनट पे एक इंसान मरता है, और कोरोना से शायद उतना नहीं मर रहा है, तो कोरोना को एक वायरस को एक हवा बना दिया गया है सिर्फ एक अपनी ताकत का यूज करने के लिए बस।